हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं विपुल स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एक्वा टिप्स पे, जिसपे हम करते हैं स्विमिंग और फिटनेस से रिलेटेड सारी बातें। तो दोस्तों, आप सबको ही पता है, किसी भी एलाइट लेवल के परफॉर्मेंस को पाने के लिए कोई सा भी एथलीट, वो स्विमर हो, फुटबॉलर हो, रनर हो, या कोई सा भी एथलीट हो, उसे अपने वर्क शेड्यूल में वेट ट्रेनिंग इन्वॉल्व करना होता है। वैसे ही स्विमिंग में कुछ बेसिक वेट ट्रेनिंग्स है जो हमें करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम ड्राई लैंड एक्सरसाइजेस बोलते हैं। वो फ्री वेट भी हो सकता है और विद वेट भी हो सकता है। तो जो आज हम करने वाले हैं वो विद वेट है। विद वेट मीन्स हम किसी भी जिम में जाके या रेजिस्टेंस बैंड से करके ये जो सारी एक्सरसाइजेज हैं उन्हें हम विद वेट एक्सरसाइजेस बोलते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इस वीडियो में मैंने अपने जो एक्सरसाइजेज है उनको चार पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले हम करेंगे डेल्टॉइड मसल पे, देन करेंगे अपने लैट्स पे, फिर करेंगे अपने क्वाड्रिसेप्स पे, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कोर पे। तो ये चारों मसल्स वर्कआउट हैं जो हमारे स्विमिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं हमारे डेल्टॉइड मसल से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसमें हम सबसे पहली एक्सरसाइज करेंगे वो है लैटरल रेजेस। ये एक्सरसाइज आप बैठ के भी कर सकते हैं, सिटिंग पोजिशन में भी और स्टैंडिंग पोजिशन में। तो मैं जो अभी एक्सरसाइज दिखाने वाला हूँ, जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, वो है लैटरल रेजेस। मीन्स यू हैव टू लिफ्ट द डंबल, यहाँ तक डंबल आपको लिफ्ट करना है, और उसके बाद डाउन, देन अगेन लिफ्ट, देन डाउन, लिफ्ट एंड डाउन, लिफ्ट एंड डाउन। इसमें जो हमारी मसल्स इन्वॉल्व हो रही है वो है एंटीरियर डेल्टॉइड और लैटरल डेल्टॉइड। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी फ्रंट फ्लाई। ये आप बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होके भी। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप खड़े होके करें एक्सरसाइज। थोड़ा सा स्लाइटली नीचे से बेंड हो, दोनों डंबल को अपने थाइस के सामने रखें, देन स्लाइटली रेज अप, बेसिकली ये एक्सरसाइज हमारे एंटीरियर डेल्टॉइड के लिए होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज आपने भी बहुत सुना होगा, ये आर्नोल्ड प्रेस। आर्नोल्ड प्रेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सरसाइज माना गया है अपने डेल्टॉइड मसल के लिए। चलिए हम करते हैं स्टार्ट आर्नोल्ड प्रेस एक्सरसाइज से। तो सबसे पहले आपको अपने डंबल को अपने शोल्डर के पास लाना होगा, देन अगेन वी हैव टू लिफ्ट द डंबल अप। रेडी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अपने इंटेंसिटी के हिसाब से करेंगे कि आपका वेट इंटेंसिटी कितना है, वॉल्यूम कितना, आप कितना रेपिटेशन करते हो। और एक्सरसाइज दोनों गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है। अगर आपको स्विमिंग में प्रोपल्शन चाहिए, अगर आप स्विमिंग में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप इन एक्सरसाइज को करेंगे जो आगे बहुत हेल्प मिलेगी स्विमिंग में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने दूसरी एक्सरसाइजेस को। दूसरी एक्सरसाइज में बेसिकली हमारी जो लैट्स मसल है वो इन्वॉल्व हो रही है। जब भी हम स्विमिंग में प्रोपेल करते हैं और जब भी हम स्ट्रेच करते हैं अपने हैंड को, तो सबसे ज़्यादा प्रोपल्शन हमारे लैट मसल ही हमें प्रोवाइड करते हैं, एज अकॉर्डिंग टू इन द फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक और किसी भी स्ट्रोक को करते हैं। जब भी हमारे लैट में पावर रहेगी ना, तो हम पुल करेंगे ज़्यादा, क्योंकि जब भी हम अपने आर्म को एक्सटेंड करते हैं, जब हम पुल करते हैं, उसमें हमारी सबसे ज़्यादा लैट इन्वॉल्व होती है, बटरफ्लाई करते हैं। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है हमारी इसमें वो है लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन के बहुत सारे वेरिएशन हैं, बट मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो ये सिंपल से लैट पुल डाउन है, जिसमें से हम अपने दोनों आर्म को एक्सटेंड रखेंगे, देन स्लाइटली डाउन, देन अप, अगेन डाउन, देन डाउन, देन डाउन। तो ये बेसिकली जो एक्सरसाइजेज है वो हमारी सबसे ज़्यादा हिट करती है लैट्स को। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने दूसरे एक्सरसाइज को। दूसरे एक्सरसाइज में बेसिकली हम करने क्या वाले हैं वो है डंबल रोज। डंबल रोज में सबसे पहले आपको स्टांस लेना है, ऐसे बैक आपकी थोड़ी सी स्लाइटली बेंड रहेगी, ठीक है, इरेक्ट पोजीशन में। देन आपको अपने डंबल को लेना है, देन स्लाइटली डाउन एंड अप, एंड अप, 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 चेंज, सेम ग्रिप रहेगी बट आपको बस पोजीशन चेंज करना है, अप, 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 अप। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज बेंड ओवर रोज को। बेंड ओवर रोज एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हमारे लैट्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसी के साथ बहुत लोगों का बेंड ओवर एक्सरसाइज में कहना होता है कि हमारी बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो दोस्तों जिन किसी का भी पेन होता है, तो वो पेन को रिमूव करने के लिए या तो अपने पॉस्चर को ठीक करें, अगर वेट हैवी है तो वेट को कम करें, नहीं तो बेल्ट का यूज़ करें, क्योंकि बेल्ट हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है बैक को सेव करने में। तो जिनको भी कभी फ्यूचर में अपने बैक को बचाना है या बैक को स्टेबल करके रखना है, तो बेल्ट का उपयोग करें और वेट अपने अकॉर्डिंग ही रखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेंड ओवर रोज को
सबसे पहले आपको स्टांस लेना है, रेडी लेना आप, फिर आपको स्लाइटली बेंड होना है फॉरवर्ड। तो हम स्लाइटली बेंड होंगे फॉरवर्ड, हमारी बैक में थोड़ा सा कर्व रहेगा, पुल कर रहे होंगे तो आपका बार आपके नेवल के पास आना चाहिए। डाउन। तो ये थी हमारी जो एक्सरसाइज बेंड ओवर रोज। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज, जो बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इन द स्विमिंग। तो स्विमिंग में सबसे ज़्यादा हमें स्टार्ट की इंपॉर्टेंट होता है कि जैसा जिसका स्टार्ट होता है वो इतना अच्छा ही थ्रस्ट लेता है अपने टेक ऑफ बोर्ड से। जैसे हम टेक ऑफ बोर्ड से स्टार्ट लेते हैं वैसे ही हमें अपने लेग को इम्प्रूव करना है, हमारे लेग स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होता है। तो बेसिकली लेग स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं उसे हम सबसे पहली एक्सरसाइज में कन्वर्ट करेंगे, वो है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स लगभग सारे एथलीट करते हैं, किसी भी आप गेम को उठा के देख ले, वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, स्टेट हो, किसी भी प्लेयर को आप देखेंगे तो वो अपने वर्क शेड्यूल में स्क्वाट्स को जरूर रखते हैं, क्योंकि वो हमारे क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। तो चलिए हम स्क्वाट को एक्सरसाइज करते हैं। ये तो फिलहाल मशीन के साथ है, आप फ्री वेट से भी कर सकते हैं, अगर अलग से बार लेके उसमें वेट लगा के कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्क्वाट को। स्क्वाट में जो आपका वेट रहेगा वो आपके अकॉर्डिंग रहेगा, रेडी, और जो इसमें स्टांस पोजीशन रहेगी वो आपके शोल्डर विथ से ज़्यादा नहीं रहेगी। आपको अपने शोल्डर विथ से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लेना है अपने लेग का, और आपको डाउन होना है बॉडी से नीचे, और जो हमारी एंगल बनेगा नीज के बीच में वो 90 डिग्री होगा, ठीक है, रेडी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and up. चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज को। दूसरी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो है डेडलिफ्ट में बेसिकली क्या होता है कि बहुत लोगों की बैक इंजरी की सबसे ज़्यादा चांसेस रहती है। तो जब भी आप लिफ्ट करें आप अपने बैक को थोड़ा सा इरेक्ट कर लें, ठीक है। जब भी आप इरेक्ट करेंगे अपने बैक को तो आपकी जो भी लोड आएगी वो आपके थाई के साथ अप होगी, ना कि आपके बैक मसल पे आएगी। तो कभी भी आप बार को जब लिफ्ट करना चाहें तो अपने स्टांस पोजीशन को मेंटेन करें, जो कि शोल्डर विथ कितनी होगी। आप इसमें रिवर्स ग्रिप भी यूज़ करते हैं, रिवर्स ग्रिप काफ़ी स्ट्रांग होती है, इसलिए बहुत सारे लोग जो भी आपने देखा होगा कैसे भी वेट लिफ्टर होते हैं वो सारी जो यूज़ करते हैं वो रिवर्स ग्रिप यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिकली रिवर्स ग्रिप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो सबसे पहले रिवर्स ग्रिप आप करें, उसके बाद सबसे पहले आप अपने बैक को स्ट्रेट रखें, देन स्लाइटली लिफ्ट एंड अप, अगेन लिफ्ट लिफ्ट। बेसिकली इसमें हमारी जो मसल इन्वॉल्व हो रही है वो ग्लूट्स है, हैमस्ट्रिंग है, हमारी ट्रैप्स है और बैक मसल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपनी चौथी और लास्ट एक्सरसाइज, जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है कोर। तो कोर के लिए दोस्तों बहुत सारी एक्सरसाइज है, वेरिएशन ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, हम कोर को करते हैं। जैसे किसी को कोई सा भी एक्सरसाइज पसंद है, कोई क्रंचेस करता है, कोई साइकिलिंग करता है, इसलिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। तो जो आपको बेनिफिकल लगे वो आप कर सकते हैं, बट बेसिकली जो एक्सरसाइजेज हमारे स्विमिंग में इन्वॉल्व होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर में ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं वो सबसे ज़्यादा इंटर रिलेटेड होती हैं हमारी स्ट्रोक से। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो है फ्लटर किक। आपको स्लाइटली बेंड होना है, अपने दोनों पाम को अपने ग्लूट्स के नीचे रखना है, देन स्लाइटली स्टार्ट किकिंग। तो ये एक्सरसाइज हमारी बैकस्ट्रोक में भी ज़्यादा हेल्प करती है और फ्री स्टाइल में भी, क्योंकि जो ये एक्शन है वो सेम हम करते हैं पानी में रह के, ठीक है दोस्तों। तो जो दूसरी एक्सरसाइज है वो हम करने वाले हैं लेग रेजेस। लेग रेजेस में बेसिकली होता है क्या है कि हमें अपने लेग को लिफ्ट करना होता है ऊपर की ओर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेग रेजेस को, रेडी 1, 2, 3। तो ये थी दोस्तों लेग रेज एक्सरसाइज। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।